सर, ये जो आज का सेमिनार रखा गया है, इसके किस उद्देश्य पर रखा गया है, इसके बारे में हम बताएंगे। देखिए, मैं विनोद सैनी, गांव अम्बली का ही रहने वाला हूँ। सुखिंदर नारा जी ने जो आज का ये कार्यक्रम आयोजित यहाँ किया, कानूनी सलाह का जो शिविर यहाँ रखा गया, उसके लिए सबसे पहले मैं पूरे गांव की तरफ से इनका धन्यवाद करता हूँ। क्योंकि ये जो कैंप है, समाज को जागरूक करने के लिए, कानून के प्रति समाज को जागरूक करने के लिए रखा गया था, और जिसकी एक बहुत बड़ी ज़रूरत है समाज में। हमें देश ने अधिकार दिए हैं, संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं, अधिकार होने के बावजूद भी हम प्रॉपर रूप से उनका इस्तेमाल नहीं कर पाते, क्योंकि हमको उनके बारे में जानकारी नहीं होती। तो सुखविंदर नारा जी ने, उनके साथ आए संजीव जौली जी ने, जहार सिंह जी ने और रजत जी ने जो आज जानकारी गाँव वालों को दी है, मेरा मानना है कि गाँव के लोग उससे जागरूक होकर अपने अधिकारों के प्रति भी इससे निश्चेत रहेंगे, और जो भी सामाजिक समस्याएं हैं उनके प्रति वो गंभीरता से उनको लेते हुए उसमें पार पाएंगे, जो समस्याएं हैं वो दूर होंगी। सुखविंदर नारा जी ने गांव की जो एक सबसे बड़ी समस्या थी, मारकंडा नदी है जिसके ऊपर हमारा गांव सटा हुआ है, उसमें गंदा पानी जो आ रहा है कालाम से, जो फैक्ट्रियाँ हैं उनका कचरा जो उसमें डाला जाता है, उसके कारण वो पानी बिल्कुल कितने टाइम से आ रहे हैं, लगभग 20 साल से, मतलब मैंने तो जब से वो संभाला है तब से हम देख रहे हैं कि वो पानी इतना गंदा है। कभी हम मत्था टेकने जाते हैं वहाँ, क्योंकि होली रिवर है हमारी, हाथ डालने के बाद, क्योंकि हाथ धोते हैं वहाँ जाके, और घर में आके लगभग पूरा दिन जितने मर्जी बाहर हम उसको साबुन से धोएं, वो स्मेल बिल्कुल नहीं जाती, इतना गंदा है। बुजुर्ग कहते हैं हमारे कि कभी ये टाइम था, जितने भी लोग खेत में काम करने जाते थे, पशु चराने जाते थे, वो सारा काम नहाने से लेके पीने तक का काम वो मारकंडा नदी के पानी से ही करते थे। इससे पहले भी कोई कार्रवाई की किसी ने कुछ? हमने लगभग 5 साल पहले भी ये मुहिम शुरू की थी, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों से लेके जो भी अधिकारी इसमें शामिल रहे होंगे, कभी कार्रवाई के आश्वासन दिए गए, लेकिन पूर्ण रूप से भी कभी कार्रवाई नहीं की गई। पास दिखाए गए, सैंपल भी पास दिखाए गए, जबकि पास तो छोड़ो, दूर दूर तक सोच भी नहीं सकते हम उसके पास, पानी के पास अगर हम खड़े होते हैं तो इतना स्मेल्ट है कि आप पास से गुजर नहीं सकते, उसके बावजूद भी सैंपल पास हो रहे हैं। साफ साफ नज़र आता है कि जो उच्च अधिकारी हैं वो भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े हुए हैं, जिसके कारण इस समस्या का कभी हल नहीं हो पाया। इसके साथ साथ हमारी एक और समस्या थी, गाँव के बिल्कुल पास पोल्ट्री फार्म बने हुए हैं बड़े, उनका जो फीडिंग का काम है वो प्रॉपर सही तरीके से वो नियमानुसार नहीं कर रहे, जिसके कारण मक्खियों की समस्या इस गांव में बहुत बढ़ गई है। सर्दी में भी अगर आप देखें घर में जाके, जो मक्खियां हैं वो दीवारों के साथ चिपकी हुई हैं, तो अगर सर्दी में इतना बुरा हाल है तो गर्मी में क्या हाल होगा, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। हमारी सुखविंदर नारा जी ने आज अश्योर कराया है कि वो इस समस्या के ऊपर, दोनों समस्याओं के ऊपर गंभीरता से काम करते हुए जल्द से जल्द हम इससे निजात दिलाएंगे, और मैं सुखविंदर नारा जी की पूरी टीम का गाँव में कानूनी जागरूकता शिविर लगाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।